हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभम रिव्यूज़। तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा बेस्ट 5 एयर कूलर्स के बारे में। एंड ये जो एयर कूलर्स मैंने सेलेक्ट करे ना, ये आपको अंडर 10,000 रुपीज़ में मिल सकते हैं। कूलर ना आपको मार्केट में बहुत टाइप्स के देखने को मिलेंगे, जैसे हो गया डेजर्ट कूलर आता है, टावर कूलर आता है, पर्सनल एयर कूलर आता है, फिर आता है एक छोटा सा विंडो कूलर। विंडो कूलर भी जैसे विंडो एसी रहता है ना, वैसे विंडो कूलर का भी लुक रहता है। इसमें आपको जो कूलिंग मेथड रहता है डिफरेंट डिफरेंट, जैसे जो पैड्स रहते हैं ना वो डिफरेंट रहता है, हनीकॉम्ब रहता है, वुड वूल रहता है, ऐसे कुछ उसके टाइप्स के हैं। यहाँ पे इस वीडियो में तो मैं आपसे अंडर 10,000 के बारे में जो डिस्कस करूंगा ना, इसमें आपको वैरायटी में मिलेंगे। जैसे इसमें आपको डेजर्ट भी मिलेगा, टावर भी मिलेगा एंड पर्सनल एयर कूलर मिलेगा। यहाँ पे आपको हनीकॉम्ब एंड वुडवुल्ड वाले पैड भी देखने को मिलेंगे। तो अभी मैं आपसे जो 5 एयर कूलर के बारे में डिस्कस करूंगा, उनके जो प्राइजेस इस वीडियो में मैंने आपको बताया ना, वो आज के प्राइजेस है। ऑनलाइन प्राइसेस चेंज होते रहता है, रिसेंट प्राइस जानने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। एंड मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यार बता रहा हूँ ना, यहाँ पे भी मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा ना जिसके हेल्प से आपको कूलर सेलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। लिस्ट में 5th नंबर पे है एक डेजर्ट कूलर, ये आपका हैवेल्स कूल एयर वुडवुल कूलर है। यहाँ पे जो हैवेल्स की तरफ से डेजर्ट कूलर है ना, यहाँ पे आपको टैंक की कैपेसिटी 51 लीटर की देखने को मिलेगी, जिसमें आपको 3200 मीटर क्यूब पर आवर की एयर डिलीवरी के साथ आएगा। जो कि ना इसको एक पार्टी हॉल, ऑफिस, ऐसे कुछ कुछ रेस्टोरेंट हो गया, ये सब जगह में आप इसको यूज़ कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। इसमें आपको 5 लीफ ब्लेड्स मिलेंगे जो कि एल्यूमिनियम ब्लेड्स हैं। 3 स्पीड्स के सेटिंग्स के साथ भी ये आता है एंड इसमें आपको ऑटो स्विंग का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। कोलैप्सिबल लॉवर्स इसमें दिए गए हैं। यहाँ पे एल्यूमिनियम का जो ब्लेड्स रहेगा ना, रस्ट प्रूफ रहेगा, बिल्कुल भी रस्ट नहीं खाएगा, पावरफुल रहेगा, अच्छा खासा ये आपको एयर थ्रो मिलेगा इससे। कोलैप्सिबल जो लोवर्स इसमें दिए गए हैं ना भाई, बहुत ही ज़्यादा काम का चीज़ है वो, उसमें डस्ट नहीं जाएगा, इंसेक्ट घुसने के चांसेस रहते हैं, तो वो भी इसमें आपका बचा के रखेगा। 3 साइड में इसमें आपको वुड वूल पैड्स दिए गए हैं, साथ में आपको डस्ट फिल्टर नेट भी देखने को मिलेगा। इसमें जो मोटर है वो इन्वर्टर कंपैटिबल है, साथ साथ इसमें आपको थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगा एंड कास्टर व्हील्स भी है, साथ साथ ड्रेन होल्स भी इसमें देखने को मिलेंगे। ये जो हैवेल्स की तरफ से डेजर्ट कूलर है ना, इसमें वारंटी आपको 1 ईयर की देखने को मिलेगी। प्राइस आज का जो प्राइस है ये आपका अराउंड 10,350 रुपीज देखने को मिलेगा। लिस्ट में 4th नंबर पे आता है टावर कूलर। टावर कूलर ना पर्सनल एयर कूलर भी बोल सकते हैं, बट ये छोटा सा कॉम्पैक्ट रहेगा एंड थोड़ा साइज इसका लंबे में रहता है। यहाँ पे ये है सिम्फनी डाइट 12T। ये जो सिम्फनी का टावर कूलर है, इसमें आपको कवरेज एरिया 12 स्क्वायर मीटर का देखने को मिलेगा। यहाँ पे हनीकॉम्ब पैड्स इसमें देखने को मिलेंगे। ये जो हनीकॉम्ब पैड्स रहते हैं ना, ये बीहाइव जैसा रहता है। इसमें क्या रहेगा ना, वाटर जो फ्लो होगा, वाटर वो बीहाइव में ना स्टोर होते रहेगा, मतलब धीरे धीरे फ्लो होगा, जिससे ना जो हवा आपको मिलेगा ना बहुत ज़्यादा कूलर देखने को मिलेगा। इसमें ना आपको 12 लीटर की टैंक कैपेसिटी देखने को मिलेगी, जिसमें आपको ड्यूरा पंप एंड कूल फ्लो डिस्पेंसर भी देखने को मिलेगा। SMPS टेक्नोलॉजी भी इसमें देखने को है। यहाँ पे जो ड्यूरा पंप है ना, बहुत ही फास्ट एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेगा वाटर को। SMPS भी बहुत ज़्यादा सेव करेगा आपके मोटर को डैमेज होने से। यहाँ पे इसमें आपको और कुछ फीचर्स के बारे में बताऊँ, तो इसमें आपको कास्टर व्हील्स भी देखने को मिलेंगे, लो पावर कंजप्शन में काम करेगा, साथ साथ इसमें आपको IPR टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है। जो ये IPR टेक्नोलॉजी है ना, ये डस्ट पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे जो जर्म्स रहते हैं ना उसको बिल्कुल भी अंदर नहीं लेगा, जिससे ना आपको जो एयर मिलेगा ना अच्छा खासा इसको क्लीन भी देखने को मिलेगा। ये जो सिम्फनी की तरफ से टावर कूलर है, वारंटी इसमें आपको 1 ईयर की मिलेगी। प्राइस इसका यार 5,399 रुपीज ऑनली देखने को मिलेगा। 3rd पे भी आपको सिम्फनी ब्रांड की तरफ से एक पर्सनल एयर कूलर देखने को मिलेगा। ये है सिम्फनी हाई कूल आई। ये सिम्फनी का जो एयर कूलर है, इसमें आपको कवरेज एरिया 17 मीटर स्क्वायर का देखने को मिलेगा, जो कि इक्विवेलेंट रहता है 183 स्क्वायर फीट रूम में। यहाँ पे हनीकॉम्ब पैड्स इसमें भी देखने को मिलेंगे। 31 लीटर की टैंक कैपेसिटी आएगा, जिसमें ना आपको एम्प्टी वाटर टैंक का अलार्म देखने को मिलेगा। ड्यूरा पंप एंड कूल फ्लो डिस्पेंसर इसमें भी है। SMPS टच कंट्रोल इसमें देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 3 सेटिंग स्पीड की देखने को मिलेगी। ये सिर्फ 185 वाट का पावर कंज्यूम करता है एंड इसमें भी आपको IPR टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा। दोनों सिम्फनी के कूलर में डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ पे जो सिम्फनी का टावर कूलर है ना, वो थोड़ा छोटा एंड कॉम्पैक्ट साइज में रहेगा एंड लंबा रहेगा, इसको आप किसी भी कॉर्नर में इजीली रख सकते हैं। ये जो सिम्फनी का हाई कूल है, थोड़े बड़े साइज में रहेगा, तो यहाँ पे इसमें आपका साइज का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये जो सिम्फनी हाई कूल आई कूलर है ना, इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी मिलेगी।
8,800 रुपीज इसका आज का प्राइस देखने को मिलेगा। अपने लिस्ट में सेकंड में भी आता है एक डेजर्ट कूलर, ये है क्रॉम्पटन ओजोन। ये अमेजोन बेस्ट सेलर एयर कूलर है। यहाँ पे ये जो क्रॉम्पटन की तरफ से एयर कूलर है ना, ये डेजर्ट कूलर है, तो ये सूटेबल रहेगा आपका 550 स्क्वायर फीट के रूम के साइज के हिसाब से। 4,250 cmm का इसमें एयर डिलीवरी देखने को मिलेगा। टैंक कैपेसिटी इसमें भी आपको 55 लीटर की टैंक कैपेसिटी देखने को मिलेगी, जो कि ऑटो फिल टेक्नोलॉजी के साथ आता है। मतलब ये जो 55 लीटर टैंक कैपेसिटी है ना, बहुत लॉन्ग चलता है, साथ साथ ऑटो फिल टेक्नोलॉजी है। आप इसको पाइप कनेक्ट करके रखे रहिए तो भाई इसको आप मतलब कॉन्स्टेंटली हमेशा चला के भी छोड़ सकते हैं। पैड जिसमें आपको हनीकॉम पैड देखने को मिलेगा, साथ साथ आइस चैम्बर भी है। आइस चैम्बर ना बहुत काम का चीज़ है यार, उसमें आप बर्फ़ डाल दीजिए, बहुत ही ठंडा ठंडा आपको फिर हवा देखने को मिलेगा उससे। एवरलास्ट पंप है, इसमें आपको 4 लीव्स के साथ मिलेगा ब्लेड्स। 4 वे एयर डिफ्लेक्टर भी देखने को इसमें मिलेगा। मोटर इन्वर्टर कंपैटिबल है, साथ साथ इसमें आपको ओवरलोड प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये जो क्रॉम्पटन ओजोन है, इसमें वारंटी आपको 1 ईयर की मिलेगी। प्राइस आज का जो प्राइस है 9,500 अराउंड आपको देखने को मिलेगा। अपने लिस्ट में सबसे पहले एयर कूलर के बारे में बताऊं तो ये है बजाज PX97 टॉर्क। ये एक पर्सनल एयर कूलर है एंड ये भी आपका अमेजन बेस्ट सेलर में आता है, अमेजन चॉइस भी है। यहाँ पे कैपेसिटी आपको 36 लीटर की देखने को मिलेगी, जिसमें 150 स्क्वायर फीट का इसमें आपका कवरेज रहेगा। हनीकॉम पैड्स इसमें दिए गए हैं, जो कि ईजिली रिमूवेबल है। क्लीनिंग ना बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरी भी रहता है, कोई भी कूलर रहता है। यहाँ पे अगर आपका जो पैड्स रहेंगे ईजिली रिमूव हो सकता है ना, तो आप उसको ईजिली क्लीन भी कर सकते हैं। टर्बो फैन टेक्नोलॉजी इसमें दिया गया है, जो कि पावरफुल एयर थ्रो करेगा। इसमें आपको टोटल में 3 स्पीड फैन कंट्रोल देखने को मिलेगा, साथ साथ 4 वे डिफ्लेक्टर भी है। कास्टर व्हील्स भी इसमें देखने को मिलेंगे, जो कि इजीली आप उसको मूव करने में काम आएगा। एंड इसमें आपको वाटर लेवल इंडिकेटर भी बहुत ही इजीली शो करेगा। यहाँ पे ये जो बजाज की तरफ से एयर कूलर है, ये आपका इसमें 1 ईयर की वारंटी मिलेगी। आज का जो प्राइस है ये आपका अराउंड 5,964 रुपीज़ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो मैंने लिस्ट आपके लिए क्रिएट किया था ना, इसमें आपको पर्सनल कूलर, डेजर्ट कूलर एंड टावर कूलर तीनों देखने को मिल रहे हैं। अगर आपकी चॉइस है, मतलब आप थोड़े छोटे कमरे के लेना चाह रहे हैं, तो टावर कूलर आप अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सस्ते में भी आता है। पर्सनल एयर कूलर में मैं आपको रिकमेंड करूँगा बजाज का लेने के लिए। एंड अगर आपको डेजर्ट एयर कूलर लेना है ना, तो क्रॉम्पटन का ओजोन डेजर्ट एयर कूलर ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स हैं ये तीनों। यहाँ पे जो 5 है, इसमें से आपको अगर कोई भी खरीदना है ना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप उसको खरीद सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो से आपकी कोई भी हेल्प हुई रहती है ना एक कूलर सेलेक्ट करने में, वीडियो को लाइक ज़रूर करना यार, इससे मेरे को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। चैनल में नया है ना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएगा, ताकि नया आगे कोई भी वीडियो लाओ ना, आप उसको मिस ना करें। तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में।